हेलो दोस्तों, स्वागत आपके एक बार फिर से हेमरोज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस डिवाइस के बारे में। आपको पता है इस डिवाइस का क्या नाम है, क्या काम है और ये डिवाइस पाई कहाँ जाती है? देखा है कभी ये डिवाइस? नहीं देखी? नहीं पता? रियली नहीं पता आपको? ओ माय गॉड, आपको नहीं पता ये क्या है? कोई बात नहीं है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पक्का बता दूँ? चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के बारे में और इस डिवाइस का नाम है SMPS। क्या है SMPS? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डिवाइस पाई कहाँ जाती है। ये डिवाइस आपकी पाई जाती है CPU में। कहाँ पाई जाती है? CPU में। और CPU में इस डिवाइस का क्या यूज़ होता है, यही आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अब आपके लिए। SMPS स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। SMPS SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोला मैंने? स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। SMPS CPU की एक पावर सप्लाई यूनिट है, मीन्स ये CPU को पावर सप्लाई देता है। आपको जो CPU है उसमें पाया जाता है आपका ये SMPS, और इसका काम होता है CPU को पावर सप्लाई देना। CPU के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कूलिंग फैन, वट एवर जो भी पाया जाता है CPU के अंदर, उन सबको पावर सप्लाई कौन देता है? SMPS देता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसे PSU पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट, इसे पावर सप्लाई यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये CPU क्या देता है? पावर सप्लाई। दोस्तों ये सिर्फ पावर सप्लाई नहीं देता, इसकी एक और खासियत भी है, क्योंकि पावर तो आप वैसे भी दे सकते हो, फिर SMPS की क्या जरूरत है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो आती है एक्चुअल में 230 वोल्ट। हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो कितनी आती है? 230 वोल्ट। और अगर इस 230 वोल्ट को हम सीधा अपने CPU को दे दें विदाउट SMPS के, तो CPU के जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे जल जाएंगे दोस्तों। क्यों जल जाएंगे? क्योंकि वो इतनी पावर एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतनी पावर पे काम ही नहीं कर पाएंगे, वो सारे के क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है SMPS। SMPS क्या करता है? घर में आने वाली AC सप्लाई को DC सप्लाई में, घर में आने वाली AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करके घर में आने वाली 230 वोल्ट AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करके किसको देता है? CPU को देता है। और ये मैक्सिमम प्लस 12 वोल्ट, मैक्सिमम प्लस 12 वोल्ट, 230 वोल्ट नहीं पूरी पूरी, मैक्सिमम प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई देता है CPU को। मतलब ये आपकी पावर सप्लाई को फिल्टर भी करता है, 230 वोल्ट को कम भी करता है, प्लस AC को किस में कन्वर्ट करता है? DC में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से आपके जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं वो चल पाते हैं, जो CPU पार्ट्स हैं वो वर्क कर पाते हैं, क्योंकि जो CPU पार्ट्स बनाए जाते हैं वो बहुत कम वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। कोई 1 वोल्ट के लिए बना होता है, कोई इससे भी कम वोल्ट के लिए बना होता है। और ऐसी डिवाइसेस को अगर आप इतनी पावर सप्लाई देंगे तो डेफिनेटली आपके CPU का वो पार्ट तो खराब होना वाजिब है। तो ये है आपका क्या? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका यूज होता है CPU को क्या देना? पावर सप्लाई देना। ये AC सप्लाई को किस में कन्वर्ट करता है? DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं ATX SMPS और BTX SMPS में क्या डिफरेंस होता है। ATX और BTX, अब आप सोचेंगे यार ये ATX और BTX है क्या?
अगर आप अपने SMPS को देखें, अगर आप अपने SMPS को देखें, जस्ट लाइक मेरे पास ये एक SMPS है और आप इसको देखें, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ATX लिखा होता है, ATX. अब ये ATX किस चिड़िया का नाम है, ATX होता क्या है? ATX की फुल फॉर्म होती है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और BTX की फुल फॉर्म होती है बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और यह है आपका बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड. दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्टली तो देखिए ATX SMPS का ही यूज किया जाता है, जो भी हम SMPS यूज करते हैं इसमें आपकी 20 या 24 पिन की पावर पोर्ट होती है, 20 या 24 पिन की पावर पोर्ट होती है. सेम बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड BTX में भी आपकी 20 या 24 पिन की पावर पोर्ट होती है, एक 20 या 24 पिन की पावर पोर्ट मीन्स ये जो आप SMPS देख रहे हैं, जो ये पावर पोर्ट देख रहे हैं ये 20 या 24 पिन की होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ATX और BTX में डिफरेंस इतना है कि ये आपके CPU को एक नॉर्मल पावर सप्लाई देता है, जबकि ये आपके CPU को एक बैलेंस पावर सप्लाई देता है. एक्चुअली में होता क्या है, हमारे कुछ ऐसे CPU होते हैं जिनके जो प्रोसेसर हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं काम करते करते. तो ऐसे प्रोसेसर्स को हीट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है BTX SMPS, बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड SMPS. ये क्या करते हैं, आपके CPU को एक बैलेंस पावर सप्लाई देते हैं. तो क्वेश्चन का जवाब क्या है, ATX की फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है, BTX की फुल फॉर्म बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है. ATX SMPS आपके CPU को एक नॉर्मल पावर सप्लाई देते हैं, जबकि BTX SMPS आपके CPU को एक बैलेंस पावर सप्लाई देता है. मींस कुछ ऐसे CPU होते हैं जिनके प्रोसेसर धीरे धीरे काम करते करते हीट करना स्टार्ट कर देते हैं. हीट क्यों करते हैं, ऑब्वियसली उनको पावर मिल रही है, पावर मिल रही है तो हीट भी हो सकते हैं. तो ऐसे प्रोसेसर्स को एक बैलेंस पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है BTX SMPS. तो ये है आपका ATX एंड देन BTX. उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, तो ये टॉपिक तो हमारा, हाँ तो कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक SMPS, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पर अच्छे अच्छे कमेंट दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्या करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे. बने रहें एमरोज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ.